सुवर्ण नरक नशीपति अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान निष्ठित नायालंकार मानित शास्त्रास्त्र शास्त्र कानूनित Guys, what's up? Welcome back to my channel. तो आज हम जो मुहिम करने वाले हैं वो है समर भूमि उम्बरखिंड की. सो बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आज का जो मेरा वीडियो होगा वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो बी विथ मी, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए. सो वीडियो स्टार्ट करने से या फिर वीडियो देखते देखते आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. सो लेट्स गो. सो गाइज, ये मुहिम मैं एक ग्रुप के साथ आया हूँ और ये ग्रुप में अराउंड 150 से लेके 180 तक मेंबर्स है. तो सबसे पहले हम लोनावला जाएंगे और अपने बेस विलेज पे पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ से हम ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं. सो गाइज, अगर आपको कभी भी ये मुहिम करना है तो आई सजेस्ट यू कि आपको ये ग्रुप के साथ आइए. तो वो ग्रुप में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रास्ते रास्ते में आपको एक अलग अलग एडवेंचर दिखेगा, आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी हो जाएगी ना. जैसे कि मैंने ये मुहिम ग्रुप के साथ आया हूँ तो मैं ये जानबूझ के आया हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए था और मुझे फ़ील करना था कि मतलब कैसा फ़ील होगा जब सामने से मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी कि ये जगह पे हुआ था, ये जगह पे शिवाजी महाराज आए थे, उनकी सेना आई थी, यहाँ से करतलाब खान आया था और बहुत सारी चीज़ें. सो ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी यहाँ पर आ रहे हो और ये मुहिम करने का सोच रहे हो तो आप ज़रूर एक ग्रुप के साथ आइए और इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ लेके आइए. थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं उम्बरखिंड के बारे में बता देता हूँ आपको. ये जो युद्ध था ये 1661 की बात है जब औरंगज़ेब के मामा सहिस्त खान ने करतलाब खान को भेजा था यहाँ पे कब्जा करने के लिए. और करतलाब खान के साथ उसके सैनिक थे 35,000. जी हाँ, उसके साथ थे 35,000. थोड़े टाइम बाद शिवाजी महाराज को इसकी खबर मिल चुकी थी. उन्होंने अपने 2,000 सैनिकों के साथ करतलाब को सबक सिखाने निकल पे. गाइस, आप इमेजिन कर सकते हो, मुझे तो इतना प्राउड फील होता है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2,000 सैनिकों से 35,000 सैनिकों को हरा दिया. और जो जर्नी थी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, मतलब इतना सोच के इमेजिन करके कि मतलब इतना प्राउड फील हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको. सो पुणे से कल्याण जाने का रास्ता बहुत ही घने जंगलों से ये सब से होके गुजरता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा कि रास्ते में कितने कितने सारे चीज़ें आई हैं. और अराउंड करतलाब खान के पास 30,000 सैनिक थे जिसका उन्हें सब कुछ कैरी करना पड़ता था, लाइक उन्हें मतलब जो भी उनके शस्त्र थे वो, खाने पीने का सामान, रहने का सामान, तो ये सब कैरी करते करते उनको अपना रास्ता बढ़ना था. तो ये अराउंड 1661 एक फरवरी से लेकर 3 फरवरी की स्टोरी है. 3 फरवरी को उम्बरखिंड में जो युद्ध हुआ था वो सबसे मेन युद्ध था जहाँ पर शिवाजी महाराज ने और उनके सैनिकों ने मिल के करतलाब खान के सैनिकों को धूल चटाई थी. सो मैं ऐसी बेसिक थोड़े थोड़े टाइम पे आपको ये फर्स्ट है, फिर थोड़े थोड़े टाइम पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा. तो गाइस, जर्नी के इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप ये मुहिम कर रहे हो तो आप प्लीज़ घर से वाटर बॉटल्स इतनी मात्रा में कैरी कीजिए कि आपका मुहिम कंप्लीट हो चुके, क्योंकि रास्ते में आपको कहीं भी पानी मिलने वाला नहीं है. और ये मुहिम आप गर्मी के मौसम में ही कीजिए ताकि आपको मतलब ये एडवेंचर समझ में आए कि मैं उस समय सैनिकों ने कैसे ये जर्नी कम्प्लीट की होगी, कड़कती धूप में कैसे उन्होंने उनका सामना किया होगा, ये सब आपको फील हो. तो आई सजेस्ट यू कि आप अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें कैरी करें
हेल्दी खाने की चीज़ें कैरी करें और वाटर बॉटल्स तो मस्ट कैरी करें। कुछ टाइम बाद जब करतलाब खान उमरखिंड जो प्लेस है वहाँ पे पहुँचे, पहाड़ियों के बीचों में, पहाड़ियों के बीच में एक रास्ता है, दोनों साइड से पहाड़ और नैरो है, तो वहाँ पे जब करतलाब खान के सैनिक वहाँ पे पहुँचे तो और वहाँ पे बैठे, उन्होंने रेस्ट किया, रेस्ट करने का सोचा, तो उसी समय मराठों ने हर हर महादेव का नारा लगाया और पूरी तरह से उन पर टूट पड़े। जो भी उन्होंने शस्त्र लाया था पहाड़ों के ऊपर से वो टूट पड़े। और कुछ टाइम बाद, एक दो घंटे बाद, करतलाब खान ने समझ लिया कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते और हम लड़ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए करतलाब खान ने शिवाजी महाराज के सामने हथियार टाल दिया। सो गाइज, ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में स्टोरी सुनाई है, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये मुहिम एक बार कंप्लीट कीजिए और जितना भी हो सके बुक्स वगैरह YouTube वगैरह के थ्रू आपको पूरी नॉलेज मिल सकती है कि एग्जैक्ट क्या है। और रही बात सेना की, तो बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 35,000 सेना थे, 30,000 सेना थे, 20,000 सेना थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भी 1,000 सेना थी, 2,000 सेना थी, तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है। गाइज, रास्ते में हमने और भी बहुत सारी चीज़ें की। हमने शिवाजी महाराज के गाने गाए जिससे हमारा रास्ता और भी अच्छे से गुजरा। ये जो पल थे ये बहुत यादगार पल थे, मैं ये कभी नहीं भूलना चाहूँगा। रक्त शिंपुनी पवित्र ठे वितो धरा भूमिवरी प्राण गेला तरी आमुची वीर गाथा उरे मर्दामी हिंदू खरे दुश्मना ना भरे कापरे देश रक्षा वया धर्मतारावया कोण झुंजात मागे उरे वा पुढे अम्मा धनाजरम वंदे मातरम भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम नदियन की मंगल माला है पावन धारा गंगा की सह्याद्री का कमर बंद है सातपुड़ी की श्रेणी की सह्याद्री का वज्रहस्त है सह्याद्री का वज्रहस्त है पौरुष को पहचाने हम वंदे मातरम। और भी दो तीन चीज़ें थी, हमने वन भोजन किया, मैंने लाइफ में पहली बार जंगल में बैठ के खाना खाया रहेगा और वो फील मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, जो वन ऑफ दी बेस्ट फीलिंग है मेरी लाइफ की। तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए, विजिट कीजिए, चीज़ों को देखिए, चीज़ों को जानिए, तभी आपको समझ में आएगा। Just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. Can you feel it? You got the only touch. मैं जिस ग्रुप के साथ आया हूँ उन्होंने हमसे 300 रुपये चार्ज किए हैं, जिसमें वो जब हम उमरखिंड अपने लोकेशन पे, एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने नाश्ते का इंतज़ाम किया है और उसके बाद
वो हमें वहाँ से पिक करके हमें बस स्टॉप खोपोली बस स्टॉप तक छोड़ेंगे। और उन्होंने हमें लोनावला से भी, जो मतलब मेन लोनावला सिटी थी, वहाँ से उन्होंने पिक किया था करवंडा बेस विलेज पे, वहाँ तक के लिए तो उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था। तो वो एक बेस्ट चीज़ था हम लोग के लिए। और उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे बहुत दो तीन सर थे जिन्होंने अच्छे खासी इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू गाइस कि कभी भी आप उमरखिंड मुहिम करने का सोच रहे हो तो उसकी पूरी नॉलेज लेके जाइए, तो ही आपको मज़ा आएगा वो जर्नी में। फाइनली हम पहुंच गए हैं समर भूमि उमरखिंड में, और यहाँ पे हम सबसे पहले पूजा करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की, फिर सब कुछ पैकअप करके बैक टू होम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय।